नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्री बहादुर प्रसाद केवट जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। और 6 साल से मेरे को कमर में बहुत परेशानी थी। हाँ। और ना ही ठीक से चल पाता था। हाँ, आप मेरे पास आए थे तो आप व्हीलचेयर में आए थे, आप खड़े नहीं हो सकते थे। जी, है ना जी। मनीष नाम का हमारा एक रिश्तेदार है, वो हमको बताया सर, अभी बताया कि मेरा ऑपरेशन गायत्री हॉस्पिटल में हुआ है। हाँ। और मैं पूरे 100% से मैं ठीक हूँ। तो यहाँ आने के बाद जैसे आपका ऑपरेशन अभी हो गया है जी, ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद में कितना फर्क लग रहा है? बहुत 100% फर्क पड़ गया सर। अच्छा, क्योंकि ये जटिल ऑपरेशन था तो हमने एक नया टेक्निक डिवाइस किया है सर, जहाँ नस 3 जगह दब रही थी जी। तो इसके लिए हमने एक टेक्निक डिवाइस की जिसमें हम L4 L5 में ऑपरेशन चालू किए। एक तरह से एक नया टेक्निक है जिसको हम आगे डॉक्टरों को बताएंगे कि हमने कैसे किया है। आपको बिना स्क्रू रॉड लगाए, कोई बड़ा चीरा नहीं है, कट फिट नहीं हुआ है। ऑपरेशन इतना जटिल था कि हमको 4 अलग अलग जगह से जाके ऑपरेशन करना पड़ा। तो सक्सेसफुल रहा, आपको बहुत अच्छा लग रहा है? पैर बहुत अच्छा सर, एकदम 100% बहुत अच्छा सर। बहुत परेशान है सर। ऑपरेशन में दर्द वगैरह का आपको एहसास? लोगों पूछते हैं कि ऑपरेशन के बाद का दर्द अनुभव कैसा है? अभी ठीक है सर। आप चल के दिखाएंगे? एकदम सीधा हो पा रहे हैं ना? पहले तो आप ऐसे पूरा जब आए थे तो ऐसे चलते थे आपका। अच्छा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।